फ्रेंड्स, एक खास खबर के चलते आप लोगों के साथ इस न्यूज़ को साझा कर रहा हूँ। हालांकि ये सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। एनसीबी ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है, ये खबर आ रही है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, ये सोर्सेज का कहना है कि एनसीबी ने बेल के रिजेक्शन की मांग की है ताई की। ये बड़ी खबर आ रही है और वजह है सिद्धार्थ पिठानी, जो कि माना जा रहा है सब कुछ उगल चुका है और उसी के चलते अब आने वाले दिनों में 5 लोगों को इस मामले में अरेस्ट किया जा सकता है। ये कहना है सोर्सेज का, बड़ी खबर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन इसको इन शॉर्ट आप लोगों को बता दूं कि बेल को अपोज, इनफैक्ट अगर टेक्निकल वर्ड हम यूज़ करें, बेल को चैलेंज किया है, जो कि ताई का है, और 5 लोगों के नाम पर आने वाले दिनों में अरेस्ट वारंट भी इशू किया जा सकता है। ये खबर आ रही है और वजह है जैसे मैंने आपको कहा सिद्धार्थ पिठानी। सिद्धार्थ पिठानी ने अपना पिटारा खोल दिया है, ये बड़ी खबर आ रही है और उसमें 5 लोगों के नाम हैं और उसी के चलते ये खबर मेरे पास निकल कर आई। सोर्सेज के हवाले से है, मैं जैसे आपको पहले कहा ये कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन क्या ये खबर सही है ये देखना और समझना होगा। लेकिन ये एक बड़ी खबर आई और उसी के चलते ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ अब इस वक्त साझा कर रहा हूँ। तो वी एक्सपेक्ट कि बहुत कुछ होने वाला है सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस में, और अगर हम इसको इन शॉर्ट कहें तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है ये देखना और समझना होगा। लेकिन बड़ी खबर थी, इसी के चलते संक्षिप्त में आप लोगों के साथ इस खबर को साझा कर रहा हूँ। कल सुबह डिटेल्स में मैं आप लोगों के साथ इसको और खुलकर बताऊंगा। फिलहाल इतना ही, कुछ और खबरों के साथ कल सुबह फिर जुड़ूंगा। धन्यवाद।